अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आए हुए हैं बिग ट्री हाउस। बहुत सुबह का टाइम है और यहाँ पर हमारा शूट है, डीवीसी शूट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बिग ट्री हाउस, तीन तलवार के साइड पे है, डीएचए में इनके साथ मेरा शूट है। हम अंदर की साइड जा रहे हैं। अब शूट पे से मेरा ब्रेक हुआ तो मैंने आपको बिग ट्री के अंदर का एम्बियंस दिखा दूँ। ये रेनोवेट हुआ है और ये इसका अंदर का एम्बियंस है। बिग ट्री पर्सनली मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि मुझे एम्बियंस बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि मुझे पिक्चर्स वीडियोज़ का बड़ा शौक है। तो मैं अपनी हर साल अपनी बर्थडे यहाँ पर ज़रूर मनाती हूँ, तो पोस्ट बर्थडे, प्री बर्थडे, मतलब यहाँ पर एक बर्थडे मनाना लाजमी है मेरा। इन्होंने रिनोवेट करवाया है तो यहाँ पर पिंक फ्लोरल का इन्होंने सेटअप किया है। ये मेरी सेल्फी लेते हुए, उसके बाद ये हमारा ब्रेक हुआ हुआ है, अभी शूट दूसरों का हो रहा है। तो हमने अपने आप को कैप्चर करते हुए दिखा रही हूँ। हमने बोला चलो थोड़ा सा अपना ब्लॉग को कर लिया जाए। तो ये मैं पिक्चर लेते हुए, उसके बाद सो मैं यहाँ पर हूँ शूट पे। तो शूट मेरा तो पैकअप हो गया है, लेकिन अब मैं लंच का वेट कर रही हूँ। अभी मेरी टीम फ्री हो जाए तो फिर हम लोग लंच करेंगे, लेकिन अभी सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए यहाँ पर, सब शूट में बिजी हैं। तो मैंने बोला मैं अपना व्लॉग कैरी कर लूँ। सो ये हो रहा है, अभी मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन वेट तो करना है। और ये था मेरा आज का आउटफिट, और अच्छा रहा आज का दिन। आप बताइएगा आप लोग को बिग ट्री हाउस का क्या चीज़ पसंद है खाने में। बहुत भूख लग रही है और थक भी गई हूँ, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, और क्योंकि अभी सेकंड शूट का सेशन चल रहा है, लेट्स सी। अभी दूसरा शूट का स्लॉट चल रहा है, हमने बोला एपिटाइजर्स ऑर्डर कर दें, तो हम वेट कर रहे हैं अपने एपिटाइजर्स का। क्या कर रही हैं आप? फ्राइज। कितनी देर बाद मिले? दो घंटे बाद। तब बाद है भाई। तो हम भी फ्राइज ट्राइज करते हैं। ये मसाला फ्राइज़ हैं बिग ट्री हाउस के। मुझे तो फ्राइज़ पसंद नहीं पर्सनली, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए जब तक मेन कोर्सेज आ रहे हैं। तो मैं फ्राइज़ खा रही हूँ और वेट भी कर रही हूँ अपने बाकी फ्रेंड्स का। तो फ्राइज़ इनके क्रिस्पी और क्योंकि बहुत गर्म गर्म सर्व हुए हैं और मसाला है तो अच्छे थे। और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट मेन्यू, क्योंकि इनका लॉन्च हुआ है तो हमने इनका ब्रेकफास्ट, शेफ़ स्पेशल ब्रेकफास्ट और शेफ़ स्पेशल क्रोसॉन्ट और इनके शेक्स ऑर्डर किए। मैंने तो अपनी फेवरेट ड्रिंक मिंट टैबलेट एज यूज ऑर्डर की है और पीना क्लाडा ऑर्डर किया है। ये इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है इनका। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। इसके अंदर क्या है कॉमन, पता नहीं क्या क्या मैंने फील किया हुआ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सब प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा है, लेकिन फिर भी टेस्ट करना है तो टेस्ट करती हूं मैं। कबाब ड्राई, ओवरऑल बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, कोई टेस्ट नहीं है। और ये कबाब भी कुछ लाइक सॉफ्ट नहीं है तो जब मैंने ट्राई किया था, बिल्कुल भी नहीं, उसकी प्राइस इतनी हो गई तो बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट मेन्यू तो हमें इतना खास नहीं हुआ, तो हमने अपने दूसरे फेवरेट आइटम्स अल्फ्रेडो पास्ता आ गया है हमारा, और मेरी एवर फेवरेट टैरेगन चिकन इनकी सेफ़ स्पेशल सॉस में है, और मेरा एवर फेवरेट मेंट लेमनेट। तो सबसे पहले मैं अपने अल्फ्रेडो का स्पाइट लिया है और ये बहुत अच्छा है, फुल ऑफ चीज़ एंड फ्लेवर्स। सो मैं ये ट्राई कर रही हूँ, उसके बाद साथ साथ मैं मिंट लेमनेट भी अपना लेती रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी आज, पता नहीं क्यों, या तो शूट पे या पता नहीं क्यों, तो मैं मिंट लेमनेट का बहुत रिफ्रेशिंग है। उसके बाद मैं अल्फ्रेडो पास्ता भी ट्राई करूँगी, अभी मेरी फ्रेंड उसको ट्राई कर रही है और इन्जॉय कर रही है। तो मैं अपना टैरेगन स्टेक इन्जॉय करूँगी, मैं टैरेगन स्टेक विद गार्लिक राइस ऑर्डर किया था तो मैं इसको इन्जॉय करी, ये बहुत अच्छे हैं। तो ये था क्लोज़अप लुक, इसके साथ मैंने गार्लिक राइस ऑर्डर किया था और चिकन के फ्लेट्स हैं टैरेगन सॉस में। और इनका ब्रेकफास्ट हमें इतना पसंद नहीं आया था, जैसे कि आप इसके क्लोज़अप लुक्स भी देख सकते हैं, इसमें फुल ऑफ वेजीज भर दी हैं उन्होंने ऑमलेट के अंदर। एज आई एम नॉट अ वेजिटेरियन एंड आई डोंट लाइक वेजीज मच, सो मैं तो अपना टैरेगन इन्जॉय कर रही हूँ। मुझे इनका अल्फ्रेडो पास्ता ये देख सकते हैं खूब गर्म गर्म है, और अपनी मिंट लेमनेड्स ड्रिंक्स और ये सब बहुत पसंद आया। मुझे इनका ब्रेकफास्ट इतना मेन्यू में इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज आई एम ट्रूली नॉट अ ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो मैंने इनका ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ट्राई किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही गंदा मैं कहूँगी, इसकी स्टफिंग भी अच्छी नहीं थी। और मेरी फ्रेंड ने भी कहा इससे अच्छा तो हम घर में बना लेते हैं, और वाकई में घर में तो लाख दर्जे बेहतर होता है, तो इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, इनका टैरेगन मुझे बहुत पसंद आया, अदरवाइज़ मेरी फ्रेंड अपना पास्ता इन्जॉय कर रही है, वो लगी पड़ी है
इसको लगे रहने देते हैं। यहाँ के एम्बियंस बहुत अच्छा है, अगर आपको एम्बियंस के लिए आना है सो यू कैन कम ओवर हियर, अदरवाइज इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड। तो ये था आज का व्लॉग विक्ट्री हाउस का, मेरे शूट का। तो अब जाने हैं हम घर। आपको उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पे कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।